एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लिवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। लिवरेज रेफर्स टू बोरोइंग फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस विद अ ऑब्लिगेशन टू रिपे दीज फंड्स विच इंटरेस्ट एट एन एग्रीड टू सेड्यूस। द आइडियाज बिहाइंड लिवरेज इज हेल्प बोरोवर्स अचीव अ हाई रिटर्न विद द स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। लिवरेज क्या होता है? एक बोरोइंग फंड होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो रिपे दिस फंड, जो हमें रिपे करना पड़ता है विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ हम उस फंड को रिपे करते हैं एंड जो हमारा एग्रीड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली। क्या होता है लिवरेज? लिवरेज रेफर्स टू बोरोइंग फंड। लिवरेज एक बोरोइंग फंड होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए होता है जिसको हमें रिपे करते हैं, जिसको हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, एक जो हमने एग्रीड जो हमने शेड्यूल सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली। द आइडिया बिहाइंड द लिवरेज हेल्प बोरोवर्स अचीव टू हाई रिटर्न्स। जो आइडिया है कि हमें लिवरेज क्यों लेना चाहिए वो किस लिए होता है कि हाई रिटर्न्स आपको वापस मिले इंटरेस्ट के साथ, आप उसको पे करेंगे विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। आपने कम इन्वेस्टमेंट की, छोटी इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट से आपको हाई रिटर्न मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो लिवरेज है वो बेनिफिशियल है। देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिवरेज। फर्स्ट वॉज फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड कम्बाइंड। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा? फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द अमाउंट टू डेट अ बिजनेस एंड हैज़ एक्वायर्ड ऑन अ बैलेंस शीट। फाइनेंशियल लिवरेज इज रिप्रेजेंट बाय द लाइबिलिटीज लिस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द शीट। बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल लिवरेज को हम राइट हैंड साइड के अंदर लिखेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेट ऑफ अ बिजनेस, जो हमारे डेट होते हैं, डेट्स जो हमारे बिजनेस के होते हैं, वो अमाउंट जो हमने एक्वायर्ड की है उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला क्या होगा फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए? एवरेज टोटल एसेट्स, जो हमारी एवरेज टोटल एसेट्स हैं, डिवाइड बाय एवरेज टोटल इक्विटी अगर हम करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल जो लिवरेज है वो निकल आएगी। सेकेंड टाइप हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज अकाउंट्स फॉर अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो अकाउंट होता है जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रोवाइड करवाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जैसे कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती है लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने से। प्रोड्यूस एज फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, देयर कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट। तो वो जो उनकी कॉस्ट होती है वो कॉन्स्टेंट होती है एंड मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर यूर बिजनेस इन मेकिंग अ प्रॉफिट और एक्सपीरियंसिंग लॉस। अगर वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, कुछ भी हो रहा हो, बट जो हमारी कॉस्ट होगी वो फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होगा ऑपरेटिंग लिवरेज का? ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टाइप है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज अकाउंट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टोटल बिजनेस रिस्क। इसके अंदर टोटली रिस्क होता है। एज द नेम सजेस्ट कंबाइंड लिवरेज एग्रीगेट्स एंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज टू प्रेजेंट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। जो आपकी कंबाइंड का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल जो लिवरेज है और ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका कम्बिनेशन, मतलब कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स भी होगी, कुछ हमारी फिक्स नहीं होगी, उनका जो कम्बिनेशन होगा और वो आपकी कम्प्लीटली फाइनेंशियल जो आपकी हेल्थ है कंपनी की उसको, उसकी कम्प्लीट पिक्चर को शो करेगा। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज, जो हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज है उसके अंदर अगर हम प्लस करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज को तो हमारी कंबाइंड लिवरेज निकल आएगी, दोनों का कम्बिनेशन। तो आज हमने स्टडी किया है लिवरेज का टॉपिक, लिवरेज क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।